आज के इस विशेष एपिसोड में हम महिलाओं और युवतियों की एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जिससे लगभग हर महिला परेशान है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ स्पेशल शो निरोगी भाव। आज हम बात कर रहे हैं इरेगुलर पीरियड्स यानी अनियमित माहवारी की। तो चलिए डॉक्टर शिखा जैन से जानते हैं कि पीरियड्स की अनियमितता क्या होती है, ये किस कारण से होती है और इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी प्रकार के वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। मैं डॉक्टर शिखा जैन, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन फिरोजाबाद सिंस 14-15 ईयर्स से। मतलब ये होता है कि महीना समय पे ना आना, जैसे एक महीने में एक बार महीना होता है तो या तो एक महीने में दो से तीन बार महीना हो रहा है, जैसे हर 10-10 दिन में पेशेंट को पीरियड्स हो रहे हैं, या फिर 3-3 महीने 4-4 महीने पेशेंट्स को पीरियड्स नहीं हो रहे हैं और देन चढ़ कर वो हो रही हो, दैट ऑल्सो कम्स अंडर इरेगुलर पीरियड। इरेगुलर पीरियड्स एक्चुअली आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इरेगुलर पीरियड्स मोस्टली होता आजकल डाइट की वजह से और हार्मोनल चेंजेस की वजह से, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स भी इतने ज़्यादा मतलब जंक फूड्स वगैरह लेते हैं तो डाइट भी कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल प्ले करता है ओवरीज के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए, जो कि अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो जिसकी वजह से दे लैंड अप इनटू इरेगुलर पीरियड्स। सेकेंड पॉइंट आता है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंज भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी डाइट की वजह से। अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हो, आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे हो, तो दैट इंक्लूड्स अ मेजर रीजन फॉर इरेगुलर मेंसेस। मोस्टली इरेगुलर पीरियड्स अनमैरिड फीमेल्स में रीजन टूवर्ड्स डाइट जाता है मोस्टली, कि पेशा जो अनमैरिड यंग फीमेल्स होती हैं, अगेन मतलब जंक फूड पे ज़्यादा उनका रहता है, दूध या पौष्टिक आहार नहीं लेती हैं, जैसे हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेती हैं, दे गो मोर टूवर्ड्स द हाई फैट डाइट और जंक फूड्स पे, तो उसकी वजह से उनको इरेगुलर मेंसेस होते हैं, उनका स्लीप पैटर्न गलत होता है, दे डोंट स्लीप टाइमली, कि जब उनको एक्चुअली उनको जो अपनी पूरी नींद लेनी चाहिए वो भी वो नहीं लेती हैं, तो दैट इज़ अ मेजर रीज़न। बट आफ्टर मैरिज ये इसके अलावा जो रीजंस होते हैं वो हार्मोनल में आते हैं। आफ्टर मैरिज हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जिसकी वजह से दे लैंड अप इनटू इररेगुलर मेंसेस। इसका क्योर, सबसे पहले जैसे अब जब जो प्रॉब्लम है उसका जो रीजन है उसको सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट हम डाइट के लिए जा रहे हैं, उसके बाद हम जा रहे हैं डेली फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर, उसके बाद जाएंगे हम मेडिसिन के ऊपर। तो सबसे पहले डाइट पैटर्न ठीक करना है, अपना फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाना है, उसके बाद कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट फॉर द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफिक कॉज। अगर आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आपको पता है कि आपको हर महीने पीरियड से होना है, अगर बाई चांस आपको किसी भी महीने पीरियड नहीं आता है या आप साइकिल मिस कर देते हैं, तो सबसे पहला काम फॉर मैरिड फीमेल्स ये है कि अब अपना एक प्रेगनेंसी टेस्ट करें। बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई मुझे तो शादी से पहले भी पीरियड खराब होता था, आज भी पीरियड खराब हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है, और फिर कहीं ना कहीं 2-3 महीने बाद जब स्कैन के लिए आते हैं, जब प्रॉब्लम बढ़ती है, तो पता चलता है कि ये प्रेगनेंट है। तो ऐसे क्या है, बच्चे को भी इश्यूज हो सकते हैं, बच्चे के भी डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, क्योंकि आप उस दौरान कुछ भी खाते हो जो आपको नहीं खाना चाहिए। तो जैसे ही आपको लगे कि आपका एक भी पीरियड मिस हुआ है, आप मिस साइकिल में जाते हो, सबसे पहला काम आप करो कि अपनी एक प्रेगनेंसी टेस्ट करो, जो कि इजीली घर पे हो सकती है। अगर उसमें दो लाइनें आती हैं, आपको फील होता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो कंसल्ट योर डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं ये डेफिनेटली बोलना चाहूंगी कि यूजुअली क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी पेशेंट को पीरियड्स नहीं होते हैं, साल साल भर पेशेंट को पीरियड्स नहीं होते हैं, पेशेंट को ये लगता है कि भाई ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपको पीरियड्स डिलीवरी के बाद 40 डेज के बाद 3 मंथ्स के बाद अगर आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहला काम आप करिए अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराइए। प्रेगनेंसी टेस्ट में अगर नेगेटिव आता है तो कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर योर विड्रॉल, आपको पीरियड आना चाहिए, आप दवा लीजिए ताकि आपका पीरियड आ सके। और
अगर आपका पीरियड नहीं आएगा तो आप प्रेग्नेंट दोबारा भी हो सकते हो, आपको पता नहीं चलेगा, फिर आपको लगेगा अरे मैडम मेरा पीरियड तो आया नहीं, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई, बट ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल। सो अगर डिलीवरी के बाद आपको पीरियड नहीं आता है तो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराएं, अगर वो नेगेटिव आता है तो डॉक्टर से मिलें, और डॉक्टर से मिलने के बाद उनकी दवाइयां खाएं और अपना पीरियड रेगुलर करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड अनवॉन्टेड यूज ऑफ एम्प्टी पिल्स, क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहेगा तो आपको एम्प्टी पिल्स खाओगे खाओगे तो ये फिर आपको कहीं ना कहीं आपके लिए आपके बॉडी के लिए हानिकारक होता है। आज आए डॉक्टर शिखा जैन द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए जिन्हें इसकी जरूरत है। आप ये वीडियो किया न्यूज पर देख रहे थे, मेरा नाम है गौरव, शुक्रिया।